सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी दुर्नीति हटाइबारे मोदी सरकार सबुठ बड़ हथियार। सरकारी योजन दलाली राज उपरे सबुठ बड़ प्रहार। ओडिशा सरकार काहीकि करुछन्ति प्रत्याहार। गरीबों भत्ता हड़प लगी होइछि कि प्लान तैयार। मधुबाबू पेंशन टंका बैंक अकाउंट रे देबेनी बीजेडी सरकार। सीधा सड़क हिताधिकारी नगद आकार रे बांटिबे टंका। समस्त जिलापाल एवं पौर कर्तृपक्ष एने दिया जाइछि निर्देश। जून मासरु एहा लागू हेबो। प्रति मासर 15 तारीख रे दिया जिवो भत्ता टंका। राज्य सरकार को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय नेइछि एही निष्पत्ति। अर्थात जून मासरु आगो भली हिताधिकारी भत्ता केन्द्र को धाइबाकु पड़िबो। पूर्व भली नानादी बहाना देखाई बारंबार दौड़ाइबे सरकारी बाबू। हिताधिकारी को एबे खारिछि हि चिंता। कहुछन निहा से कहुछन अरे थोर जाई करी देखमु देउछ होला दियो नाही देउछ होला छाणी दियो काय करमु। और मुई बसी बसी करी जाइसी भूखे पियासे खोरा रे केबे कह में 10 रे आसो केबे कह में 11 रे आसो केते चलमी बाबू। जाते अभी 2 महीने से नहीं मिल रहा सर। आया नहीं बोलता अभी आने से मिलेगा फिर खोरा रे जाइए आशीर्वाद फिर गले सेठी एमती समती कहन माल पानी आसी नहीं आसिले तुमको फिर मिलो आउ थे जीवा आसवा पड़े कष्ट तो हो चाहिए। राज्य सरकार बहाना है पोर्टाल रे वैषयिक त्रुटि पाई अनेक हिताधिकारी को डीबीटी जरिया भत्ता टंका मिली पारुनी। सेथिपाई पूर्व भली हाथ रे भत्ता टंका देबा को निष्पत्ति होईची। एबे प्रश्न उठुची जदि पोर्टाल रे त्रुटि रहीची ताहा को कोन ठीक करा जाई पारि नथंता। बाकी राज्य रे किपरि बिना त्रुटि रे हिताधिकारी को मिलुची विभिन्न भत्ता टंका। पोर्टाल रे त्रुटि बहाना नुहे तो आगु को निर्वाचन थिबारु राजनीतिक फायदा पाई एपरि करुणाहंती तो राज्य सरकार विभिन्न भत्ता स्कीम जो थिला सेडा को जातीय योजना थिला सेति भितरे सरकारंगर केवल गोटे मधुवा पेंशन योजना था जेतर बहुत कम लोग पाउथले। नवीन बाबू निजकु असुरक्षित मणिन मणले भाबले जे लोक जानि देलन जे पेंशन या दौ नांती तांकर काले क्रेज हजि जीव लोक आउ केन्द्र सरकार ना नै जिवे तेणु ये आउ थरे पुणी एबे आरंभ करचंती जे यही पेंशन टा को पुणी बाय हैंड रे ऑफलाइन रे देबे जाद्वारा कि जो दलर टाउटर माने जो माने साधारण लोकों को भत्ता ना रे पैसा नौचंती दलालगिरी करचंती से मानको प्रादुर्भाव बढ़िबो पुणी ये माने ये कौन करिबे ना विभिन्न जगार भत्ता देबा ना रे आंकर नवीन बाबू फोटो मारिबे लोकों को भुआ बुलेबे। आगामी निर्वाचन आसु 2024 आउ अल्प क्षेत्र माने दिन रहिला तो तार फायदा नापी ये गोटे नुआ योजना आरंभ कल आर जी हिताधिकारी तो अकाउंट को आसुला पैसा तो आज कौन असुविधा है जे सी पैसा हिताधिकारी घर को आसिक देखे ये गोटे नूतन मध्यम राजनैतिक फायदा नापी ये गोटे नवीन सरकार नियम। 2014 देश में मोदी सरकार आसवा पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बा डीबीटी व्यवस्था उपरे गुरुत्व देथिले। एहा द्वारा सीधा सड़ख हिताधिकारी अकाउंट रे पहुंचीतिला सरकारी योजना टंका। दुर्नीति उपरे रोक लागिला। मिडिलमैन को द्वारा सरकारी अर्थ बाटमारणा बंद हला। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा एक क्लिक किया जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं। तबे राज्य सरकार कौन चाहुचंती पुणी थरे गरीबों को टंका दलाल को पॉकेट को जाऊ। गरीब लोगों को पुणी बारंबार पंचायत एवं पौर कार्यालय को दौड़ा को पड़ू। एबे राज्य में प्राय 28,38,000 हिताधिकारी मधुबाबू पेंशन योजना रे भत्ता पाउछंती। 80 वर्षरु अधिक वयस्कों संख्या प्राय 1,83,000। बारिपदारु रंजन दास एवं ब्रह्मपुर विस्मय प्रधान राउरकेलारु चिन्मय मिश्रंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।